हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक मास्टर का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बड़ी यहाँ पर अपडेट है एडमिट कार्ड को लेकर। तो यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का यहाँ पर जो है वो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड निकालना है। वो पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, बात करेंगे कि इस वीडियो में आपको जो है वो एडमिट कार्ड कैसे निकालोगे। उसके लिए यहाँ पर बता दूँ पूरा प्रोसेस। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर यूनिरा सर्च करना होगा, मेन वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको ये नीचे यहाँ पर uniraj.org पर आपको क्लिक करके मेन वेबसाइट पर चले जाना है। आपके पास में अगर ये वेबसाइट देखने को नहीं मिले, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर ये वेबसाइट देखने को नहीं मिले तो आपको कुछ ये तो देखने को मिल ही जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2022 पर क्लिक करना होगा, लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर एडमिट कार्ड का। तो थ्योरी एग्जाम एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्या करना होगा आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर देखिए कुछ एरर कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो ये है लिंक है, इसको एडिट करना होगा। कहाँ तक एडिट करना होगा? ओ आर जे तक लिंक पर क्लिक करके सर्च करना होगा। जैसे सर्च करोगे वापस से आएगा, फिर से क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एजुकेशन। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद में बीएड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। बीएड के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बीए बीएड पार्ट फर्स्ट और सेकंड का। फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का आ चुका है। तो यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड सभी का आ चुका है। तो आपको यहाँ पर निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, जो भी आपका यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर जो है वो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि बीएससी बीएड का निकालना है तो बीएससी बीएड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, बीए बीएड का निकालना तो बीए बीएड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर वो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आएंगे जिससे आपको निकालने के तरीके आपको यहाँ पर है। जैसे कि फॉर्म नंबर से आप यहाँ पर निकाल सकते हो, रोल नंबर से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे, और जनरल डिटेल से आप निकाल पाएंगे। जैसे कि आपकी जनरल डिटेल यानी आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आप यहाँ पर डाल के जो है प्रोसेस पर आप क्लिक करते हो, तो आपका यहाँ पर जो है आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका कुछ निकल जाएगा। फिलहाल जैसे कि मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करते हैं और अपना एडमिट कार्ड निकाल के बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि रोल नंबर मैंने डाल लिया, इसके बाद में आपको क्या करना होगा, प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसेस पर क्लिक करते हो, आपका एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो एडमिट कार्ड आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो बीए बीएड पार्ट फर्स्ट का यहाँ पर मैंने निकाला है रेगुलर का। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एडमिट कार्ड आ चुका है। तो कुछ गाइस इस तरीके से आप अपना भी जो है वो एडमिट कार्ड निकाल पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्रिंट लेने के लिए आपको क्लिक है टू प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। प्रिंट आपको यहाँ पर ले लेना होगा। जैसे कि प्रिंट पर क्लिक करके आप मोबाइल में सेव कर सकते हो, या फिर आप पीडीएफ में सेव कर सकते हो, या फिर प्रिंट ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अपना प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल लीजिएगा। इस तरीके से अपना जो है एडमिट कार्ड दो पेजों का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दो पेज में आपको निकालने लगा। तो गाइस, फिलहाल आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।